हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पिंक पैराडाइज में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मुझे बेबी शावर में कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, तो वही गिफ्ट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और मुझे इतना याद नहीं है किसने क्या गिफ्ट दिया है, जितना याद है उतना मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज मेरे साथ, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ है पीहू, ये भी रहेगी। जैसे मैंने कहा कि मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ, बस ये जल्दी से ही सोई हुई थी, जल्दी से उठ के रेडी हो गई है मेरे ब्लॉग में आने के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिला। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया था, बेबी शावर नॉर्मली सबका शायद एक बार ही होता है, लेकिन हम लोग के रिचुअल्स में चार चार बार मेरा बेबी शावर हुआ है। फर्स्ट मेरे फिफ्थ मंथ में, जो उसमें इतने लोगों को इनवाइट किया नहीं जाता है, जस्ट फैमिली मेम्बर्स मिलके पंचामृत खिलाया जाता है, तो वो था फर्स्ट बेबी शावर। सेकंड बेबी शावर था मेरा सेवन मंथ में, जिसमें सबको इनवाइट किया जाता है, उसमें मुझे बहुत सारा गिफ्ट मिला। देन मेरा थर्ड बेबी शावर था एट मंथ में, वो बेबी शावर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें भी सबको इनवाइट नहीं किया था, जस्ट फैमिली मेम्बर्स थे हम लोग, मेरे मायके से और ससुराल से, वो मेरे ससुराल में ही हुआ था। उसमें पूरा बहुत अच्छा, मैंने वीडियो अपलोड भी किया हुआ है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। एट मंथ का बेबी शावर, गौरव संस्कार और पुहोनी बिया, पुहोन बिया, हाँ पुहोन बिया भी बोलते हैं उसको, ऐसा उसमें पूरा शादी का जितना भी रिचुअल्स है सब कुछ उसमें होता है, बहुत मज़ा आया था उसमें। देन मेरा लास्ट बेबी शावर जो था मेरा नाइन्थ मंथ में, मेरे मम्मी के घर पे, तो ऑल टोटल मेरा फोर बेबी शावर हुआ है। और मीन्स ये चारों के चारों बेबी शावर में मुझे क्या क्या मिला गिफ्ट, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला गिफ्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है एक साड़ी, इसे तांत का साड़ी बोलता है, पूरा नहीं खोल रही हूँ, ये तात का साड़ी मुझे मिला। मेरे सिस्टर उसकी ससुराल से, मीन्स उसकी चाची सास ने मुझे ये वो दिया, ये साड़ी मुझे मेरी बहन की चाची सास ने दिया ये साड़ी, तो ये था मेरा पहला गिफ्ट। उसके बाद ये है और एक साड़ी, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये साड़ी। ये साड़ी मुझे मिला, वही मेरा जो सिस्टर है उसकी सास ने दिया, मीन्स उसके ससुराल से आया है ये साड़ी, ये भी बहुत प्यारा है। ये था मेरा सेकेंड साड़ी, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे तो ऐसे से पूरा टावर बन जाएगा। ये है थर्ड साड़ी, ये थोड़ा सिल्क पैटर्न का साड़ी है, ये मुझे मेरा मेरे चाची ने दिया है, मुझे मेरा जो सबसे छोटी चाची है उसने दिया है ये मेरा गिफ्ट। मेरा मुझे मिला मेरे बेबी शावर में। ऐसा नहीं है, मुझे मिला है गिफ्ट बेबी शावर का, इसका राज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा गिफ्ट संभाल कर तो ये सारी मुझे मेरे फोर्थ वाले चाची ने दिया है। पहले आपका ही बता देती हूँ। हाँ, मेरा वाला गिफ्ट। ये कुछ गिफ्ट नहीं है, खाली डब्बा है, इसके अंदर किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो इनका क्या है, ये कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है मीन्स गिफ्ट वगैरह खोलने में देखने में, जैसे लड़कियों का होता है, बहुत सारे शायद लड़कों में भी होता है, गिफ्ट है क्या पैकिंग खोलना है देखना है अंदर क्या है, इनका नहीं है। उस दिन बेबी शावर वाला दिन ये कुछ खोल रहे, तो मुझे लगा अरे इसको कैसे इंटरेस्ट आ गया,
तो मैंने कहा कि आपको देखना है क्या गिफ्ट्स, तो उन्होंने कहा नहीं ये शायद मेरे लिए किसी ने दिया है, लेकिन हम लोग में ऐसे रिचुअल से लड़कों को नहीं मिलता, लड़कियों को ही मिलता है। तो मैंने देखा ये डब्बा मीन्स ऐसा था, तो मैंने सोचा हाँ शायद इनके लिए किसी ने दिया होगा। तो जैसे ही हम लोगों ने ये खोला, इसके अंदर से मेरे लिए गिफ्ट निकला, तो इसका मुंह पूरा उतर गया। आपने क्या कहा था? मुझे लगा डब्बा के अंदर गेंजी होगा, बनियान नहीं, और वो जो बेबी शावर जो तुम अकेली माँ बनने वाली। हाँ, मुझे बेबी शावर में तो बाप को भी गिफ्ट देना चाहिए ना। इन्होंने मुझे कहा कि तुम अकेली नई मम्मी बन रही हो क्या, मैं भी तो नई पापा बन रही, तो मुझे भी गिफ्ट मिलना चाहिए। जो कि मिला नहीं, तो इसीलिए डब्बा संभाल के रखा है। तो इसने ये डब्बा संभाल के रखा है कि इसमें ये डब्बा तो मिला है कम से कम। डब्बा रख दूंगा। इनका गिफ्ट कैसा लगा वो भी बताइएगा। अच्छा चलते हैं हम लोग नेक्स्ट गिफ्ट। तो नेक्स्ट गिफ्ट मुझे मिला ये 2-3 साल के लिए साड़ियाँ चाहिए नहीं होंगी, मिल गया। खुद एक भी साड़ी नहीं दिलाया अभी तक। ये साड़ी ये है ऑरेंज कलर का, ये भी सिल्क पैटर्न का है। ये साड़ी मुझे मिला है मेरी फ्रेंड पोलोमी, उसने दिया है। पोलोमी खूब भलो खूब सुंदर, उसने मुझे पूछा था कैसा लगा, वो कंफ्यूज था। मुझे सच में अच्छा लगा, और ऑरेंज वन ऑफ माय फेवरेट कलर है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये साड़ी। ये है और पोलोमी, मैं बता देती हूँ पोलोमी मेरी कॉलेज फ्रेंड है। ये भी है तो वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, और हम लोग के बीच का फ्रेंडशिप अच्छा है, मीन्स वैसा फॉर्मली नहीं इनफॉर्मल रिलेशन है हम लोग के बीच में, तो हम लोग अभी भी वो मेंटेन करके रखते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बुलाने पे वो आया, उसका भी शादी हो गया तो मेरे बुलाने पे वो आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देन मुझे ये कॉटन का साड़ी है, वन ऑफ माई भाभी, मेरे भाभी ने दिया है मुझे, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये है और एक साड़ी। देन उसके बाद ये है एक सिंथेटिक साड़ी, ये इतना सॉफ्ट है, पता नहीं किसने दिया मुझे, लेकिन मतलब उस दिन बेबी शावर वाला दिन इतना लोग थे ना, कौन क्या दे रहा था मुझे याद नहीं, मैं ले रही थी रख रही थी, जिन जिनका याद है बस मैं उनका ही नाम ले रही हूँ। लेकिन ये भी साड़ी मस्टर्ड कलर का है, और मैरून कलर का इसका बॉर्डर है, बहुत प्यारा है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये साड़ी। इसे पहना के दिखा दूँ, ये ब्लॉग में आ रहा था, इसे भी तो दिखाना ना, कुछ एक्टिविटीज इसको भी करना है ना। देन मेरा नेक्स्ट साड़ी है ये, ये ब्रिंजल कलर में है, बहुत प्यारा साड़ी है, ये मेरी बहन ने मुझे दिया है, मैं पूरा नहीं खोलती हूँ। ये भी बहुत प्यारा साड़ी है, सिल्क, क्या सिल्क है पता नहीं, ये सिल्क साड़ी है, जैसे शादी वादी में पहनने का वैसा साड़ी है, ये भी बहुत प्यारा साड़ी है। तो ये मेरे बहन ने मुझे दिया। उसके बाद ये है मेखला चादर, जो एसएमएस ट्रेडिशन में पहनता है मेखला चादर, वो है चादर, ये है चादर, ये चादर मुझे मेरे सास ने दिया है। ये रहा, ये कॉटन का है, बहुत अच्छा है। मैं ये मेरे ससुराल में जाने से ही मेरा यूज़ आता है, मैं वहाँ मेरा जितना भी मेखला चादर है मैं वहीं पे रख के आती हूँ, वहाँ पे जाके तो पहनती हूँ। तो ये है मेखला चादर। देन ये एक सूट पीस मुझे पता नहीं किसने दिया है, लेकिन बहुत अच्छा है, मैं अभी इसे नहीं सिलवाऊंगी क्योंकि अभी मेरा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा मोटा होके रखी हूँ, तो आफ्टर डिलीवरी मैं इसे सिलवाऊंगी। ये भी बहुत प्यारा है,
जिसने भी दिया है थैंक यू। ये कॉटन का वो है सूट पीस है, तो मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है किसने दिया है, बहुत प्यारा है जो जिसने भी दिया है, थैंक यू उनको। और अगर ये अगर वो हो गया बड़ा हो गया तो सुन पहन 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 हाँ मेरा बड़ा हो गया तो ये पहन पाएगी। और एक ये कुर्ती मुझे ये भी याद नहीं है, लेकिन मैं और एक चीज़ बता देती हूँ, मेरी और एक फ्रेंड है निकिता, वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, वो क्लास टू से मैं और निकिता हम लोग दोनों फ्रेंड हैं, हम लोग कॉलेज भी साथ में किए, डिग्री हम लोग बस दूसरे कॉलेज से किए हैं, लेकिन एचएस तक हम लोग साथ में थे, कॉलेज स्कूल लाइफ से एचएस तक हम लोग साथ में थे। अभी उसका भी शादी हो गया, उसका बेटा भी है, वो आया था। अच्छा लगता है जब आप मतलब एक फ्रेंडशिप मेंटेन करते हो, है ना, तो वो भी आया था मेरे बेबी शावर में। तो मुझे लगता है शायद ये निकिता ने दिया है, निकिता यदि भूल करता सी सॉरी, लेकिन मुझे पता नहीं, शायद ये निकिता ने दिया है या जो भी दिया है, मुझे बहुत पसंद आया है। ये कुर्ती है क्वालिटी हाँ कॉटन का है, अच्छा मीन्स पहन के कंफर्ट रहेगा, लेकिन ये शायद अभी मेरे नहीं आएगा तो इसलिए मैं अभी ये सब वो नहीं कर रही हूँ, जैसा नया है वैसे रख रही हूँ, आफ्टर डिलीवरी मेरे काम आएगा। अभी जैसे सबको पता है कि मेरा जो एब्डोमेन है अभी थोड़ा बड़ा होकर रखा है, तो ये मेरे फिटिंग नहीं आएगा, बाद में पहनूंगी यूज़ करूँगी मैं इसे। और इसके साथ ये लेगिंग्स आया है, और उसके बाद ये है और एक तात का साड़ी, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। ये है और एक तात का साड़ी, देन मुझे कुछ कुछ नाइटीज भी मिला है, नाइटीज मैं पूरा खोल नहीं रही हूँ, एक दो मैं खोल के एक बार दिखा देती हूँ। एक्चुअली ऐसे साड़ी वगैरह मिलते हैं और नाइटीज भी मिलते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, ज़्यादातर सिजरीन होता है, पता नहीं मेरा क्या होगा नॉर्मली या सिजरीन, लेकिन अगर सिजरीन होता है तो साड़ी वाड़ी पहनने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहता है क्योंकि स्टिचेस रहता है, तो इसलिए नाइटी बहुत यूज़ होता है। तो आजकल लोग हम लोग में साड़ी की जगह नाइटीज भी देते हैं, तो और प्लस बेबी को फीडिंग करने के लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए इस पैटर्न का देता है सब लोग नाइटी। मैं एक खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ, जैसे ये एक नाइटी है, कॉटन का है, और अभी जैसे मेरा ड्यू डेट अप्रैल को है, तो आप वेदर चेंजिंग टाइम है, अगर बारिश हुआ तो ठंड रहेगा, अगर बारिश नहीं हुआ तो गर्मी रहेगा, तो उसके लिए कंफर्टेबल होगा। ये कॉटन का नाइटी मुझे मिला, इसमें यहाँ पे सामने से ऐसे बटन रहता है, ऐसे बटन रहता है ताकि बेबी को फिट आराम से करवा पाऊँ। तो आजकल लोग ऐसे भी देते हैं, मैं सर इंस्टीट्यूट ऑफ साड़ी नाइटी भी बहुत जन देते हैं, तो मुझे नाइटी भी बहुत सारा नाइटी मिला, तो मैं एक ही खोल के दिखा रही हूँ, बाकी का मैं ऐसे ही दिखा दूँगी। यह है एक नाइटी, दिस वन सेकंड, यह है थर्ड, सब एक ही जैसा है, कलर और प्रिंट अलग है, लेकिन सब कॉटन का ही है, तो इसलिए मैं सब एकदम खोल के अच्छी तरीके से नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। ये थर्ड वन, ये फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन, इसका कलर बहुत अच्छा है। दो साल का नहीं, हाँ गिफ्ट मुझे मिला, इनको नहीं मिला ना, इसलिए जेलस हो रहा है। दो साल का नहीं, ये फिफ्थ वन,
इसका कलर बहुत प्यारा लगा। ये है सिक्स वन, ये थोड़ा अलग है, ये सामने से पूरा ऐसे बटन है, ऊपर से नीचे तक बटन है, तो ये परफेक्ट फॉर सिजेरियन डिलीवरी या कोई भी ऑपरेशन हो तो ऐसा नाइटी ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये है सिक्स वन, ये है सेवेंथ, ये है एट, पूरा पहाड़ बन गया यहाँ पे। देन ये है नाइन, टेन, इलेवन, बस इलेवन, ये इलेवेंथ नाइटी, नहीं ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू सिक्स, छः महीने का नाइटी, छः महीने का वो दो साल का कुछ भी बोलता है, मुझे थोड़ा सा बदबू ही आ रहा है, जेलस बदबू आ रहा है, किसी को गिफ्ट नहीं मिला, किसी को इतना सारा गिफ्ट मिला ना, जेलस बदबू आ रहा है। दो साल का नाइटी फ्री, ठीक है, मुझे नाइटी नहीं चाहिए दो साल तक, मुझे बस शॉपिंग कराने से हो गया, कुछ भी शॉपिंग कराने से हो गया, साड़ी कुर्ती से हो गया, तो मुझे टोटल 11 नाइटीज मिला, और साड़ी कितना मिला मैंने काउंट ही नहीं किया। ये है एक येलो कलर का, ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे फिफ्थ मंथ का नहीं, सेवन मंथ का जो बेबी शावर था, वो जब मैं खाना खाऊंगी मीन्स जब खाना पड़ता था, मम्मी के घर से आया हुआ साड़ी पहनना पड़ता, तो ये साड़ी मम्मी ने दिया था, ये येलो कलर का। ये है और एक साड़ी जो मम्मी ने दिया, देन ये है कांजीवरम जो मम्मी ने मुझे नाइन्थ मंथ के बेबी शावर में दिया है। आप लोगों ने अगर देखा है मेरा नाइन मंथ का बेबी शावर का ब्लॉग जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसमें देखेंगे मैंने यही साड़ी पहना था। ये कभी कभी ये मैं पहन के भी घूमूंगा, हाँ मुझे नहीं मिला, मुझे प्रॉब्लम नहीं अगर ये पहन के बाहर जा पाए तो, धोती बना के पहनूंगा, धोती पहन सकता है इससे आराम से, पहन सकता हूँ, और एक ब्लाउज मैं यहाँ पे लाना हो गई हूँ, तो वो गोल्डन कलर का इसके साथ पहन लू। जिन्होंने मेरा वो नाइन मंथ का बेबी शावर का वीडियो देखा होगा उन लोगों ने देखा होगा, और ये है मुझे सेवन मंथ में मम्मी ने दिया था मम्मी के घर से, तो ये है, ये सब है मुझे गिफ्ट मिला हुआ, और दो साड़ी है। हाँ आपको कैसे नहीं मिला, आपको मेरे मम्मी दिया नहीं था वो चादर जो ओढ़ के गमछा टाइप का जो ओढ़ के आपको पूजा करना था, चादर वो गमछा ही है, गमछा नहीं था वो, गमछा ही आना कटा कंपेयर विद दैट गमछा टू दिस वन, कंपेयर करो तो ये बाहर जो भी मिला था है ना आपको, मेरा और दो साड़ी है, एक मिथिला चादर का चादर है जो मुझे फिफ्थ मंथ में मिला था मम्मी ने, ये तो बहुत बात हो गया, क्या आपने खाना नहीं खाया, नहीं मैं आपको तो मिला था सुबह, तो मैंने बिस्किट दिया था, दो बिस्किट और मैंने क्या चिकन मटन सब, वो फिफ्थ मंथ में जो पंचामृत खिलाता है वो मम्मी के घर से आया हुआ कपड़ा पहन के खाना पड़ता है, तो उसमें मुझे एक चादर मिला था, वो आना काठा चादर, वो स्पेसिफिकली होता है एक चादर जिसको सूता को बिना काट के बनाया जाता है, वो एक चादर और प्लस एट मंथ को पूजा करते हैं, मतलब जो मैंने कहा कि गर्भ संस्कार जो उसमें वो साड़ी पहनना पड़ता है, वो भी आना काटा ही होता है, मीन्स आना काटा मीन्स बिना काट के सूता को एक ही थ्रेड से पूरा साड़ी बनेगा, सूता को बिना काटे बनाया जाता है, तो वो एक साड़ी और एक छोटा सा गमछा, इतना मीन्स ऐसा मीन्स गमछा बनता है, वो भी आना काटा ही होता है, वो गमछा का पूजा भी होता है इन लोगों में रिचुअल्स है कि
जब बेबी होंगे जब बेबी बॉर्न होता है तो बेबी को फर्स्ट उसी गमछे से लपेट के लिया जाता है, तो वो सब चीज़ का वैल्यू है। तो मैं वो यहाँ पे लाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ भी रस्म होगा अब के बाद से, जब बेबी का कुछ भी रस्म होगा, चूड़ाकरण या अंडा प्रेशन या शादी हो या कुछ भी हो, उसमें जो भी मुझे हम लोग में नियम है, नहलाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, बच्चे को नहलाना पड़ता है, जो भी अच्छा काम होगा ना उसमें वो साड़ी ओढ़ना पड़ता है, साड़ी या वो जो चादर जो आना कटा चादर है वो ओढ़ना पड़ता है। तो वो पूजा का सामान है बोल के मैं वहाँ पे ससुराल में वो रख के आ गई, क्योंकि यहाँ पे लाना नहीं है, क्योंकि हम लोग का कुछ भी रिचुअल्स होता है हम लोग ससुराल जाते हैं तो वहीं पे ही होगा जो भी होगा, तो वो मैं नहीं लाई। तो वो दो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे 5th month और 8th month का बेबी शावर का जो वीडियो है, जो लोगों ने देखा होगा या आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने वही पहन के रखा है। तो वो दो है और इनको भी मिला था 5th month में, भूल जाते हैं इतना से कमचा। हाँ तो क्या हुआ, अभी आप लोग में रिचुअल से उतना सा कमचा मिलता है, एटलीस्ट मिला तो है, एटलीस्ट मिला। हम लोग बेंगलुरु में तो रिचुअल्स नहीं है कि लड़कों को कुछ मिलता है, इन लोग में है बोल के एटलीस्ट मिला था नहीं कमचा। वो टाइप ऑफ गमछा नहीं है, टाइप ऑफ चादर टाइप का ही है जिसको ओढ़ के पूजा किया जाता है, तो वो मिला इनको। हाँ मेरे कंपेरिजन में थोड़ा कम मिला, लेकिन मिला तो है ना, एटलीस्ट उससे भी खुश होना चाहिए। ये खाली डब्बा गिरा दीजिए, वो गमछा लेके घूमिए। तो ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये गिफ्ट्स, और जिन लोगों ने मुझे जो जो चीज़ मिला और मुझे जैसे पता चला कि ये किसने दिया किसने दिया, मैं उन लोगों का नाम ले पाई हूँ ब्लॉग में, और जिन लोगों का मुझे याद नहीं है कौन किसने क्या दिया तो मैं नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन सबको मेरे ओर से थैंक यू। और ये गिफ्ट एक्चुअली टोकन ऑफ लव होता है, सबका आशीर्वाद होता है, और मुझे पैसा भी मिला था, शगुन का पैसा भी मिला था। तो ये मीन्स गिफ्ट बोल के नहीं होता है, ये एक्चुअली आशीर्वाद होता है, फालतू का बात करता है, कुछ नहीं होता है। ओ एक मिनट आप लोगों के साथ और एक चीज़ शेयर करना है। तो मुझे शगुन का पैसा मिला था, पर्टिकुलरली मुझे मिला था जो मुझे 7th month और हाँ 7th month में मिला था शगुन का पैसा, तो वो रखा हुआ है। जो 8th month में मैंने कहा था कि गर्भ संस्कार का पूजा होता है, उसमें शादी जैसा रिचुअल्स होता है, उसमें इसको शगुन का पैसा मिला, मुझे नहीं मिला था, इनको मिला था। और ऐसा तो है ही ना कि जो इनका है वो ही मेरा है, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ औरधामिनी क्यों बोलते हैं, औरधो ओंगनी ना, मीन्स हाफ एंड हाफ, हस्बैंड एंड वाइफ हाफ एंड हाफ और धामिनी, मतलब इनका जो कुछ भी है सब मेरा आधा है। तुम्हारा जो है जो मेरा है वो मेरा ही है, क्योंकि लड़कों को औरधामिना थोड़ी ना बोलता है, औरधामिना तो नहीं बोलता है, लड़कियों को बोलता है औरधामिनी, मीन्स आपका जो कुछ है सब मेरा आधा है। औरधामिना अगर जिस दिन से बोलने लग जाएगा कि लड़का लोग औरधामिना है, उस दिन से लड़कियों का जो कुछ रहेगा लड़कों का आधा होगा। तो जब तक ना बोला जाए, मेरा कॉपी चेकिंग है उसका भी और धंगन ले लो, कॉपी चेकिंग करना है, कॉपी चेकिंग करना ऐसा है। तो क्या हुआ, इनको मिला शगुन का पैसा, तो सब मैंने कहा कि इसमें से आधा तो हिस्सा मेरा होगा और धंगिनी आधा हिस्सा। तो उस दिन पूजा खत्म होते थे, शाम रात हो गया था और हम लोग सबको टायर्ड थे, तो मैंने इनको कहा कि यहाँ से आधा पैसा मुझे मिलेगा, ठीक है ले लो ऐसा। और वो ससुराल में था, हम लोग वहाँ पे हुआ था वो पूजा, देन उस दिन रात हो गया, सबको टायर्ड थे, पैसा बाहर रखा हुआ था। ये ऐसा है, नहीं नहीं सबको पता चलना चाहिए कि ऐसा है। रात को जैसे मैंने कहा कि हाँ यहाँ से आधा पैसा मेरा है आधा पैसा आपका है, राजी हो गया। देन सुबह क्या हुआ, मैं थोड़ा लेट से देर से उठी हुई है, सुबह जल्दी उठा और इनको मतलब जल्दी आना था, कॉलेज ज्वाइन करना था, और मैं थोड़ा लेट से आऊँगी, मैं और मेरी सास हम लोग एक साथ आएंगे लंच करके।
तो मैं सुबह जब घर वर साफ कर रही थी मेरा रूम, तो पैसा बाहर रखा हुआ था। मैंने सोचा कहाँ गया पैसा, जहाँ पैसा रखा हुआ था एक रुपया भी छोड़ के नहीं आया मेरे लिए, मेरे हिस्से का पूरा पैसा लेके आ गया। मैंने फोन करके पूछा कहाँ है पैसा, मतलब मेरे पास है, मेरे पास है, मेरा हिस्सा कहाँ है, खत्म। इसको कुछ मुझे मिला और धनवंतरी को देना चाहिए। वो दहेज दहेज में दिया, बस दहेज दिया ही नहीं। हाँ मैंने दहेज दिया 500 रुपया, जेल दो मुझे। कुछ नहीं, तो यही था। इनको जितना भी मिले, मतलब खाली मेरे साथ कंपेयर करेगा, मुझे इतना सारा मिला, इनको नहीं मिला। नहीं नहीं करते करते तो इतना सारा मिल गया। वो गमछा अनाकाटा गमछा मिला, देन शगुन का पैसा मिला, और क्या चाहिए। अनाकाटा गमछा और शगुन का गमछा, क्या बोलते हैं, अनाकाटा गमछा और शगुन का पैसा, शगुन का तो 500 रुपए मैं बिल्ली को दूंगा। 500 भाई मैंने कुटी जो था, नहीं वहाँ पे और भी था, तो 2 रुपया था, 2 रुपया नहीं और भी था, नहीं 100 रुपए था ये। हाँ, 600 रुपीज और एक अनाकाटा गमछा से मैं बिल्डिंग बना लूंगा। जो भी हो, मिला तो है ना, मिला तो है ना। ओके बाय बाय, मुझसे जेलस होता है। तो जो भी हो, ये इंसान तो है ही जेलस, लेकिन और खाली इनको मेरे से हिस्सा चाहिए। इनका हिस्सा ये लेके चुपचाप निकल गया, एक बार फिर बताया भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैसा रखा हुआ, मैं लेके जा रहा हूँ। दहेज में मिला होगा। अभी दहेज आ गया वो। अच्छा जो भी हो, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मेरा सारी सब कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना मेहनत से आप सब मैं दिखा रही हूँ ये सब, तो कैसा लगा, कौन सा सारी ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे तो मेरे लिए सब सारी इक्वल है, क्योंकि ये आशीर्वाद है सब बड़ों से मेरे लिए और मेरे आने वाले बच्चों के लिए नहीं, एक ही ठीक है। तो आशीर्वाद कीजिएगा आप लोग भी कि सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए। और वी द वुड बी पेरेंट्स बहुत अच्छे से, मतलब हेल्दी बेबी आए, है ना, सब कुछ अच्छे 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 हो जाए। आप लोग प्रे कीजिएगा, आप लोगों का आशीर्वाद ही उनके लिए बहुत है। थैंक यू।